चैनल ऑफ वडोदरा। हाल श्राद्ध पक्ष चाली रह्यो छे त्यारे डभोई तालुकाना तीर्थ क्षेत्र चांदोद खाते पितृ मोक्षार्थनी विधि विधान अर्थे मोटी संख्यामां श्रद्धाळुओ आवी रह्या छे। नर्मदा स्नान साथे पिंडदान अने पितृ तर्पण करीने पूर्वजो प्रत्येनुं पोतानुं ऋण अदा करी रह्या छे। हिंदू शास्त्रमां भादरवा सुद पूर्णिमाथी भादरवा वद अमास सुधीना 16 दिवसो श्राद्ध पक्ष के पितृपक्ष तरीके ओळखाय छे। हाल श्राद्ध पक्षना दिवसों चालता होय गुजरातभरमांथी श्रद्धाळुओ पूर्वजों प्रत्येनुं ऋण अदा करवा माटे सर्व पितृ श्राद्ध माटेना उत्तम स्थळ अने गुजरातना काशी कहेवाता वडोदरा जिल्लाना दक्षिण प्रयाग तीर्थ क्षेत्र चांदोद खाते पधारी रह्या छे। पोताना स्वजन जे तिथिए मृत्यु पाम्या होय ते तिथिए तीर्थमां आवी पोतपोताना तीर्थगौर पासे श्राद्ध कर्मनी विधिमां श्रद्धापूर्वक जोड़ाई पूर्वजोना मोक्षनी कामना करता रह्या छे। श्राद्ध पक्ष चाली रह्यो छे त्यारे पितृदोष नारायण बलि श्राद्ध कर्म जेवा विधि विधान अर्थे रोज तीर्थ क्षेत्र चांदोदमां श्रद्धाळुओनो धसारो जोवा मळी रह्यो छे। नदी किनाराना धार्मिक मंडपो आश्रमो अने देवालयोमां विधि विधान करावी श्रद्धाळुओ पितृ मोक्षनी कामना साथे पितृ ऋणमांथी मुक्ति थयानी अनुभूति साथे संतृप्त थई रह्या छे। नर्मदे हर अत्यारे चालता श्राद्ध पक्षना दिवसोमां चाणोदनी अंदर दक्षिण प्रयाग तीर्थ में गुजरातभर महाराष्ट्र एमपी राजस्थान हरियाणा समग्र टेस्ट में राज्य में अँ आग नर्मदा जी किनारे पोताना पितरों श्राद्ध माटे आवनारा यजमानों नर्मदा जी में पिंडदान तर्पण करी नर्मदा जी में पिंड मूकी एमना पोताना पितरों ने स्वर्गवास माटे मां नर्मदाना कांठे त्रिवेणी संगमनो महिमा शास्त्र में एवं कहूँ कि आपणा भारतनी अंदर बे जग्या पर त्रिवेणी संगम बताया छे। एक अलाहाबाद में उत्तर प्रयाग तीर्थ क्षेत्र छे अने बीजू गुजरात में दक्षिण प्रयाग तीर्थ क्षेत्र। हवे तीर्थ एटले जल अने क्षेत्र एटले जग्या। आ जग्या पर तीर्थनी अंदर जलनी अंदर स्नान करिए एटले तीर्थ में स्नान करवानुं फल आपणाने प्राप्त थाय। अने बीजा नंबर में क्षेत्र क्षेत्रनो मतलब गुजराती में खेतर थाय छे। एटले सारी जग्या पर जई जो तमे पिंडदान मूको तो आपणा त्रण पेढ़ीना पितृओनुं मुक्ति माटे आ चाणोद बहु मोटू तीर्थ नर्मदा पुराण अंतर्गत बतायुं छे। माटे शास्त्रमां एवुं कह्युं छे कि नर्मदाना कांठे एक ओंकारेश्वर बीजा नंबर में भरूच ने त्रीजा नंबर में चाणोद। चाणोद में त्रण नदी बताई छे। एमां एक नदी छे मां नर्मदा बीजी नदी छे ઓરસંગ અને ત્રીજી નદી જે છે એ ગુપ્ત સરસ્વતી છે। એટલે આ ત્રણ નદી ભેગી થઈ અને એ નદીનું નામ ત્રિવેણી સંગમ બતાવ્યું અને ત્રિવેણી સંગમમાં જે પિતૃઓના શ્રાદ્ધ કરે છે પિતૃઓનું તર્પણ કરે છે તો પોતાના સર્વ પિતૃઓમાં નર્મદાજીની અંદર પિંડદાન મૂકી એમના પિતૃઓને સદગત આત્માને મુક્તિ મળે છે। નર્મદે હર।